नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के थाना कैंट अंतर्गत विशाल मेगा मार्ट शिवपुर शोरूम से महिला की वर्षों पुरानी दुकान हटवाने को लेकर वाराणसी महिला व्यापार मंडल और शोरूम के कर्मचारियों के बीच मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बताते चलें कि वाराणसी महिला व्यापार मंडल की सदस्य प्रिया सिंह की विशाल मेगा मार्ट शिवपुर शाखा में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, जिन्हें खाली कराने को लेकर कोरोना काल से लेकर अब तक बवाल मचा हुआ है। खबर है कि जहां एक ओर विशाल मेगा मार्ट शोरूम का प्रबंध तंत्र किसी भी कीमत पर बेसहारा महिला प्रिया सिंह को अपने शोरूम के भीतर से भगाने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के निर्देश पर वाराणसी महिला व्यापार मंडल की दर्जनों पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ बेसहारा महिला की मदद में लगातार संघर्ष कर रही हैं। आरोप है कि 14 नवंबर दिन सोमवार को विशाल मेगा मार्ट शिवपुर के मैनेजर आलोक सिंह आर्टिफिशियल ज्वेलरी की संचालिका प्रिया सिंह की दुकान जबरदस्ती खाली कराने के लिए अपने सहयोगियों के साथ दुकान में लूटपाट करने के साथ ही उनको मारा गया और कपड़े भी फाड़ दिए गए। इस संबंध में थाने में FIR भी दर्ज कराई गई। शोरूम के प्रबंधन पर आरोप है कि 14 नवंबर को जब विशाल मेगा मार्ट में प्रिया सिंह अपनी दुकान खोलने आई तो मैनेजर आलोक सिंह व ओम प्रकाश गुप्ता अपने दर्जनों समर्थकों के साथ महिला के साथ जमकर मारपीट किया। इतना ही नहीं, प्रिया सिंह के साथ महिला व्यापार मंडल की पदाधिकारी स्नेहा बिंद, खुशी श्रीवास्तव, चांदनी श्रीवास्तव को भी गंभीर रूप से मारा गया तथा उनके कपड़े फाड़े गए और जमीन में गिराकर अंतरंग अंगों पर लात और घूसों से सामूहिक रूप से प्रहार किया गया और धमकी दी गई कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मारपीट की घटना के बाद वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा अपने दर्जनों पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाया। देखिए क्या कह रहे हैं वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा और अन्य पदाधिकारी। विशाल मेगावाट का कई दिनों से प्रकरण चल रहा था, जिसमें लगातार महिला मंडल लगा हुआ था और वो उसके लिए दबाव बना बात कर रहा था। इन्होंने उसकी दुकान गायब कर दी पहले, फिर उसके बाद पुलिस के दबाव में दुकान दे दी, सामान दे दिया, फिर एक दिन के बाद फिर उसका सामान गायब कर दिया, दुकान भी गायब कर दी, फिर दे दिया और अब कल से जो है परसों से इन्होंने उसकी पूरी दुकान भी गायब कर दिया, उनको मारा भी और उसके साथ हरकत भी अश्लील किया, सारी चीज़ों को इन्होंने किया जो कि अच्छा नहीं था, जबकि प्रशासन की सारी नज़र में है बातें। और आज इन्होंने जिस तरह से महिलाओं को मारा, घसीट घसीट के गाली दिया और छिड़कानी की उनके शरीर के साथ, और एक का हाथ टूट गया, एक बेहोशी की हालत में है, परंतु पुलिस ने पूरी तरह से निष्पक्ष इसमें कार्य कर रही है। ACP साहब ने बहुत निष्पक्ष तरीके से इसको बोला और कहा कि इसकी कार्रवाई होगी और व्यापार मंडल केवल यही चाहता है कि विशाल मेगा मार्ट अगर खुलता है तो उस महिला की दुकान लगनी चाहिए और नहीं तो दोनों बंद रहे, और नहीं तो वो लगे और कोर्ट का आदेश ले आए, अगर उनका आदेश आ जाता है कोर्ट का तो सब मानेंगे उसको, लेकिन इस तरह किसी बेसहारा महिला को, उसका एक बच्चा है, उसकी वही रोजी रोटी है, उसको बेघर कर देना मेरे ख्याल से ना शासन चाहता है ना प्रशासन चाहता है। और योगी जी पर भी हम लोग को पूर्ण विश्वास है और योगी जी के प्रशासन पर भी विश्वास है। अध्यक्ष रमेश निरंकारी, आज यहाँ किस मामले में आप कैंट थाने पर आए हैं? कैंट थाने पे हम लोग इसलिए आए कि ये लगभग एक हफ्ते से एक प्रकरण विशाल मेगा मार्ट का चल रहा था भोजपुर का, जिसमें एक हमारे व्यापार मंडल की महिला है जिनकी दुकान है और उस दुकान पर कभी उसको दुकान को बंद कर दिया जा रहा है, कभी उनके काउंटर गायब कर दिया जा रहा है, सामान गायब कर दिया जा रहा है, और हम लोग जब दबाव बना रहे हैं तो सामान मिल जा रहा है, काउंटर लग जा रहा है, फिर जब जा रहे हैं तो फिर जो है वही काम हो रहा है, तो ये लगातार एक हफ्ते से चल रहा था। जिससे आज हमारे व्यापार मंडल की महिलाएं वहां गईं तो उनके साथ
उन्होंने काउंटर लगाना तो दूर, सामान दिलाना तो दूर, उनके साथ वहाँ के गुंडे आसपास के जो इनके मेगा मार्ट के लोगों ने बुलाया और उन महिलाओं के साथ मारपीट करवाई, जिसकी फुटेज हमने इंस्पेक्टर साहब को दिया और उनसे हमने कहा कि ये महिला हैं, गरीब हैं, जो भी उनकी रोजी रोटी का साधन है उनको जारी रखा जाए और व्यापार मंडल हमेशा से व्यापारियों के साथ रहा है, सहयोग करता रहा है। अब उस महिला का विधवा है, उनके बच्चे हैं, उनका अगर दुकान नहीं खुलेगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा, तो हमेशा से हम लोगों ने इस तरह से चीज़ों को सहयोग किया और आज हमारा व्यापार मंडल उनके साथ है और हमने कहा कि अगर जिन महिलाओं के साथ इन्होंने उनके गुंडों ने मार पिटाई की और उनके सामान गायब किए जिसकी FIR हो गई है तो उनकी गिरफ्तारी की जाए और इस महिला के साथ भी न्याय हो और मेगा मार्ट तब खुले जब अगर उनकी दुकान खुलती है तो उस महिला की भी दुकान खुला जाए। ऐसा इस वक्त की जब फुटेज है हमारे पास और हमने इंस्पेक्टर साहब को दे दिया है तो हम ये चाहते हैं कि उस गरीब महिला के साथ न्याय हो और व्यापार मंडल इसी की लड़ाई लड़ रहा है और उनकी दुकान लगनी चाहिए। जैसा कि इंस्पेक्टर साहब ने पहले चौकी इंचार्ज साहब ने कहा था कि अगर मेगा मार्ट खुलेगा तो इनकी दुकान भी खुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेगा मार्ट तो खुला लेकिन उनकी दुकान नहीं खोलने दी गई, तो हम ये चाहते हैं कि तब तक मेगा मार्ट बंद रहे जब तक कि यह न्याय इनकी गिरफ्तारी हो और मेगा मार्ट खुले तो उनकी दुकान खुले और अगर नहीं खुलता है तो मेगा मार्ट भी बंद रहना चाहिए, यह व्यापार मंडल की मांग है और जिनकी जो फुटेज में अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और वो जेल। धन्यवाद। सुनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ कैंट थाने में हैं? विशाल मेगा मार्ट का ये मामला है, हमारे महिला मंडल की सदस्य हैं उन्हीं का ये केस है। आज ये पुराने समय से चला आ रहा है, 3-4 बार केस भी हो चुका है इस पर, लेकिन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं था। आज एक हफ्ते से महिला मंडल लगा हुआ था इसके लिए मेडिकल, लेकिन मेडिकल आज बच्चों को मारा गया है, व्यापार मंडल की महिलाओं को मारा गया है और जो बच्चे हमारे जो छोटे थे जिनकी एज 16-17 साल की है, 18 साल की है, उनको इस तरीके से मारा गया कि हाथ तक तोड़ दिया गया है। प्रशासन खड़ी थी, फैंटम को भी मारा गया है। मैं वाराणसी व्यापार मंडल महामंत्री कविंद्र जायसवाल, आज की जो घटना घटी है 10 दिन पहले पुलिस के संज्ञान में था, अगर पुलिस चाहती ये घटना का पुनरावृत्ति नहीं होता और पुलिस के मौजूदगी में ये घटना कितनी निंदनीय है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं जितने लोग उसने घटना में इन्वॉल्व हैं सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सिकंजे में, कानून के सिकंजे में आना चाहिए, नहीं तो इसको अगर नहीं होता है, उस महिला को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग आगे इसके लिए धरना देने का कार्य करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। आज SCP जी के बातों से सहमत होके सारी कार्रवाई हो रही है, अगर इस पर अगर हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे फिर आगे की कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया सिंह है। क्या मामला है? मेरा विशाल मेगा मार्ट में ज्वेलरी का शॉप था, उसके अंदर वो लोग वो गायब कर दिए हैं। अब हम जब जाते हैं खोलने तो वो लोग घसीट के हमको मारते हैं। ऐसा कौन कर रहा है? वहाँ के मैनेजर और वो जो उनके स्टाफ हैं और उनके बुलाए हुए जो गुंडे बदमाश लड़के रहते हैं वो सब मिल के मारते हैं उनको। प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? उनको कोई सहयोग नहीं मिला प्रशासन की तरफ से। हम चार मेरा मुकदमा इसके पहले दर्ज हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमको इसके पहले भी दो दिन पहले मुझे बहुत मारा गया और आज भी बहुत मारा गया और मेरी व्यापार मंडल के लोग मुझे बचाने गए तो उन लोगों को भी मारा गया। तो आगे अब आप क्या करने जा रही, क्या कार्रवाई करेंगे? अब उन लोग के खिलाफ FIR करवाएंगे। नहीं, मेरी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, मेरी 12 साल से वहाँ दुकान है, वो लोग उसको जबरदस्ती गायब कर रहे हैं तो हम उसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो लोग हम जब दुकान खोलने जा रहे हैं तो मुझे मार रहे हैं क्योंकि मेरा कोर्ट में भी मैटर है चल रहा है 3 महीने से, उसके बाद भी वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार रहे हैं, जब खोलने जा रहे हैं तब मार रहे हैं वो लोग।
क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।